समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर यूपी की मौजूदा योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जब ओबीसी आयोग के सदस्यों ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी तो उनके जूते उतरवाए गए, जबकि सीएम योगी और उनके कुछ खास लोग बैठक में जूते पहनकर पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि इस दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके करीबियों ने जूते पहने हुए थे। अखिलेश ने कहा कि ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक भी नहीं देंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने सीएम योगी को समाजवाद का मूल भी पढ़ने की हिदायत दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़े, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने डेडलाइन से पहले ही योगी सरकार को 350 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर मुहर लग गई है। खबर है कि सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोर्ट का आदेश मिलते ही अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।